माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस पूरा कैमरे की ओर है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा लास्ट का जो भी सूखा चिकन बना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाय आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज़िंदगी में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है बॉडीज़ के लिए। और यहाँ पर देखो अप्पा बैठे और क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और फातिमा अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुँह धो लिए? हाँ। कैसे धोए? अब्बू ने दांत कैसे घसाया आपका? अच्छा अब्बू दांत घसाए ना, मज़ा आई कि नहीं आई? एकदम मज़ा आ गया ना दांत घस के, है ना? अरहान बाबू भी बड़ा हो जाएगा ना, तो अरहान बाबू के भी दांत घसेंगे अपन। यहाँ पर देखिए हमारे सोलेहा ने गैस पास करके चले गए थे, तो मैंने आके स्लो कर दिया। अभी नज़र हटती थी ना पूरी चाय गिर जाती थी। मुझे ना सुबह सुबह मॉर्निंग का नाश्ता ना ऐसे खाने बहुत मज़ा आता है, रोटी के अंदर मस्त चाय डुबा दो। तो गाइस काम का कपड़ा पहन के ना मैं रेडी हो गया हूँ और सोलेहा यहाँ पर नाच सुन रहे हैं, तो चलिए चलते हैं निकलते हैं काम के लिए। फातिमा पा दे तो अब्बू को, अब्बू काम पे आ रहा है ना, अरे मेरा अब्बा नीचे पा दे तो अब्बू को, अब नहीं लेने देगा ये। और आज अपने पानी का नंबर भी है, तो मैं जाता हूँ नीचे पाइप भी लगा देता हूँ, सोलेहा भर लेंगे। रोड तो हमारे घर के नीचे का मस्त माशाल्लाह एकदम बन गया है, लेकिन पानी का थोड़ा सी दिक्कत हो गया है। अभी तक जो हम लोग का नंबर रहता ना वो एकदम वहाँ से आता है, यहाँ से इतनी लंबी पाइप बिछी है, ऐसा गोल मार के गई आंटी के घर पे, फिर यहीं से मैं अपने पे लगा दूँगा। मेरा पाइप देखो यहाँ पर, पहला छोड़ के दूसरा वाला मेरा काम। और पानी अभी थोड़ा स्लो है ना, तो इसलिए ऊपर चढ़ने थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर छोटे बार का पानी हो चुका है। एकदम भागम दौड़ी मचा देता है पानी के लिए, लो जहाँ लगा वहाँ लगा, ऐसा लगा वैसा लगा ले। तो देखा गाइस आप लोगों ने, पानी के लिए थोड़ा सी यहाँ पर मुशक्कत उठानी पड़ती है, पाइप यहाँ से वहाँ लगाना पड़ता है, पानी स्लो है ना, तो इसलिए बोला दो दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के दोनों। और क्या बोल रहे हो वसीम भाई, सब मजे में? एकदम माशाल्लाह। तो हम लोग आ जा रहे हैं काम पे भाई, एकदम बड़े दिनों बाद जा रहे हैं। कहाँ पर रखेंगे अब अपने को पता नहीं, चलो हिम्मत अंगले की दुकान पे चलते हैं, वहीं जाके स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस मैं आ गया था साइट पे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से साइट है। यहाँ पर गुलाम भाई कल आके ना भराई वगैरह सब करके चले गए थे, और अभी मैं आके ना पूरा घसाई किया हुआ, देखा पूरा माल नीचे गिरा हुआ है, घस के जो भी पाउडर है वो। तो अभी हम लोग ना ऑयल पेंट का माल रेडी हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय पी कराएंगे ना, तो फिर आके ऑयल पेंट मारना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैं और गुलाम भाई जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और क्या बोलते हैं गुलाम भाई, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, माशाल्लाह हम लोग दोनों गुलाम भाई साथ में रखे अब्बा ने, तो बहुत भारी काम है भाई, एकदम मतलब पंखा भी नहीं चालू है और गर्म कितना लग रहा है, चालू रखेंगे। तो हम लोग आए हैं अपने सलीम भाई के यहाँ चाय पीने के लिए, बचाए अपने तो हम चाय पी के आ गए और यहाँ पर हमारा माल बन के रेडी हो गए। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कोटमाले में कितना सारा सामान रखा हुआ मेरे ढाले पे लग गया, तो यहाँ पर मुझे कोटमाले की सीलिंग मारना है, इतना सारा सामान है, थोड़ी बहुत तो अड़चन होगी अपने को काम करने, लेकिन फिर भी चलिए फटाफट काम करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अंधेरे में दिख रहा नहीं है ना, चलो। तो आप लोग ने जो सीलिंग देखे ना उतना मार के हो गया है, और कैसा फैमिली वाला रूम है ना, तो वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी वजह से मैं सिर्फ दिखाया। और अभी हमारे खाना खाने का वक्त हो चुका है, तो मैं आ गया था इस घर पे, और यहाँ देखे दोनों जन ने क्या नाटक कर रहे हैं, क्या हुआ इसको साथ, चलो सो क्या हुआ पता नहीं, क्या क्या नाटक कर रहे हैं? हाँ हाँ ए बाबू क्या हो गया, क्या हुआ, खाना खाए? हाँ आराम देव क्या बात करता है, खाना खाए बेटा नहीं खाए, खा लिए? अच्छा बाहर डाल दी खा के, अच्छा सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो अब्बू के साथ खाते खाना, नहीं खाएंगे? अच्छा तुमने खा लिए, क्या है, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया मेरी जान, क्या हो गया कलेजी को क्या हुआ, बोला अब्बू, बोला आई लव यू अब्बू, बोला ला ला इलाहा
इल्ला क्या मेरा भोला भंडारा बोलो अरहान 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 बोलो अब्बू माशाल्लाह मेरा बच्चा। तो चलो आज खाने में क्या बनाए और चलो ठीक है सालिया पर मैंने मिक्सिंग अच्छा निकाल लिया हूँ सालिया निकाल रहे हैं खाना। तो गाइज मैं ना कैमरा घर पे ही रख के जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑयल पेंट का दीवार से काम चल रहा है और वहाँ पर कैसा वीडियो बनाने अच्छा भी नहीं लग रहा है। वो तो रोकेंगे ठोकेंगे लेकिन फिर भी मुझे साइड पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा तो इसी वजह से मैं कैमरा घर पे ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट शाम में काम पे से आने के बाद। तो गाइज मैं आ चुका हूँ काम पे से और जैसे कि मैंने दोपहर में बोला था कि आज बनाने वाले हैं सालिया दाल चावल और सुक्का चिकन। दाल चावल तो बन के रेडी है तो चलिए फटाफट मैं आते आते चिकन भी लेकर आ गया था तो सालिया अभी उसको धोएंगे वोएंगे। तो कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों से वो रेसिपी शेयर करता हूँ ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करना और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए गाइस बिना टाइम गवाए अपन शेयर करते हैं आप लोगों से रेसिपी के सालिया कैसे बना। सालिया ने यहाँ पर ले लिए हैं गोश्त अभी इसको जाएंगे धोने के लिए। उससे पहले बना रहे थे रोटी तो यहाँ पर हो रही है अपने गोश्त की सफाई। तो यहाँ पर अपना गोश्त अच्छी तरह धुल गया है और इसको डाल दिया है अभी कढ़ाई में। और इसको कढ़ाई में डालने के बाद क्या करेंगे बॉईल करेंगे। पानी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल के नमक डाल के बॉईल करेंगे। नमक भी डालेंगे नमक भी डालेंगे फिर नमक पकने में डालते हैं वो भी खारा हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है तो सिर्फ हल्दी डाल के बॉईल करेंगे। अच्छा हाँ। तो उसको ना हल्दी में डाल के पानी डाल के थोड़ा सी उबालने रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और अच्छे से हो जाए ज़्यादा क्या बोलते अपना बनाने के टाइम गलाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा ना वो भी डालेंगे क्या कांदा कांदा में डाल के ना इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। हाँ क्या चलो ठीक है। तो भाई इसको गैस पे रख दिया है और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ थोड़ा सी नाश्ता करने के लिए अपना शाम का अपनी गर्मा गर्म रोटी भी बन गई है। और जो रोटी का डब्बा था ना यहाँ पर तो वो ना ख़राब हो गया है तो इस वजह से उसको ना रख दिए है अभी कोट माले पे। तुम कौन सा डब्बा बोल रहे थे रोटी का है स्टील का स्टील वाला है ना। हाँ तो मुझे कोट माले पे चढ़ के देखना पड़ेगा कि स्टील का रोटी का डब्बा कहाँ रखें। क्या चाहिए बेटा क्या मेरी जान हप्पू हप्पू खाएंगे अपन दोनों क्या नहीं दे रहे हप्पू खाएंगे ना अपन दोनों क्या है बेटा क्या। तो इसको ऐसे ही अभी गर्म करेंगे पानी नहीं डालेंगे इसमें। तो पानी छोड़ेगा अभी वो। अच्छा ऑटोमेटिक ये छोड़ेगा पानी पानी जैसे इसका तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है जो पानी छोड़ेगा मतलब ये अदरक लहसुन का जो पानी जो अदरक लहसुन है ना हाँ। तो पूरा पानी निकलेगा उसमें। अरे तो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना पानी का नल थोड़ी ना जो पानी छोड़ेगा। क्या दीवानी बात कर रहे थे। यहाँ पर अपना नाश्ता रेडी हो गया गाइस तो चलिए फटाफट नाश्ता करते खाएंगे। तुम भी जरा एक बाइट मारो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपना तो नाश्ता करके हो गया माशाल्लाह बहुत मजा आई। और क्या बोलते पानी छोड़ रहे कि नहीं ये देखो पानी। हाँ यार तो इसके अंदर अभी पूरा पूरा एक लोटा पानी डाल दिए हैं ताकि ये पकते रहे आराम से। और यहाँ पर अभी मसाला तैयार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सालिया ने ले लिए हैं 3 छोटे छोटे टमाटर और एक बड़ा और आधा मतलब एक ही समझ लो वो तो ऐसी एक्स्ट्रा था ना तो इसी वजह से वो डाल रहे हैं। तो 3 टमाटर 1 कांदा अभी काट रहे हैं। तो गाइस काटने के बाद पता चला कि कांदा एकदम ज़्यादा दिख रहा है और उसके सामने टमाटर तो एकदम बच्चा दिख रहा है। तो सालिया अभी मेरे ख्याल से कितना 2 टमाटर और काटेंगे ना छोटे छोटे तो 2 टमाटर और लेंगे थोड़ा। तो गाइस यहाँ पर देखिए सालिया लहसुन वगैरह जो भी है डाल रहे हैं। पहले से रखा हुआ था क्या अदरक लहसुन का पेस्ट बना। अच्छा 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 तो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर छिल छिल के इसमें लहसुन डाल रहे हैं। और मिर्ची का मिर्ची अलग पीसेंगे। अच्छा अलग से पीसेंगे इसमें डालेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है तो अलग से मिर्ची पीसी जाएगी वो जो डब्बा दिख रहा है। अच्छा वो डब्बे में पीसेंगे ये वाला डब्बा ना एक नंबर डब्बा है तो ये डब्बे में अलग से मिर्ची पीसी जाएगी जो इसमें। अच्छा ये सालिया अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं वो जो लेकर आया था कम पड़ गया क्या छोटी पन्नी थी ना। अच्छा इसीलिए चलो खैर कोई बात नहीं। और गाइस अदरक लहसुन का जो पहले पेस्ट आता था ना तो 5 रुपये का अच्छा खासा आता था लेकिन अभी उन लोगों ने ना बोले भाई ज़्यादा बिक रहा है ना तो उसे क्वांटिटी कम कर दिया है तो इसी वजह से मैं 2 लेकर आया था लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो अभी सालिया यहाँ पर देखो अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के हो गया आप देखना क्या सालिया जुगाड़ लगाएंगे मस्त एकदम। इसके अंदर डाल देंगे मिर्ची और फटाफट 2 मिनट में पीस डालेंगे। तोड़ रहे कि अक्का डालो ना तो लंबे लंबे है ना पीछे नहीं जाएंगे। हाँ क्या हाँ मैं घुमाऊं। और गाइस थोड़ा इग्नोर मानना क्योंकि खाना बन रहा है तो इसी वजह से थोड़ा गंदगी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं जो भी हम लोग का डेली रूटीन रहता है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ चाहे वो गंदा रहे चाहे साफ रहे चाहे जो भी रहे इंशाल्लाह सफाई की कोशिश तो करते हैं लेकिन अभी काम वगैरह चल रहा है तो इसी वजह से
गंदा है ठीक है। दिन मतलब दिन भर से दोपहर से साफ सुथरा है, तभी कैसे खाना आना बनाने लगे, बच्चे लोग खेल रहे थे, पसारा सारा फैला रहे। हाँ। और अपना मतलब एकदम ऑफिशियल नहीं, अगर कुछ बना रहे तो एकदम ऑफिशियल भाई साफ सफाई रखो, ऐसा मतलब जो है हम लोग का वो आप लोगों से शेयर करते हैं। आप भी हमारे ये, आप हमसे बड़े हैं और माशाल्लाह हमारे भाई बहन हैं, तो बस हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। बाकी आप लोगों को जो भी बोल रहा हूँ मुझे बिंदास कमेंट में बोल सकते हैं, मुझे कुछ बात का बुरा नहीं लगेगा और बस समझ के ले लूँगा मैं, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों से ना गाइस एक ना दिली मोहब्बत हो गई है, और ना हमें ना आप लोगों से जुड़े रहना है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह आपका भाई कामयाब होएगा। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम मुझे तो दिए नहीं यार। और पीसना अपन लहसुन बोल रहा है, मिर्ची को पीस लेंगे, मज़ा आती है इसके अंदर से। कैमरा देखो कहाँ घुसा रहे हैं, अरे देख रही देखने में चक्की चक्की नमक निकाल। देखो अभी ये क्या है, ये अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सी पहले। लेकिन बाहर में और अपने घर के अदरक लहसुन में इतना फर्क क्यों है यार? तो वो रहता है, अपने घर का पिसा हुआ लाइट है और वो चॉकलेटी है। वाई तो अभी क्या निकाल रहे हैं? ये मसाला वसाला सब, धनिया की बुक्की। अरे ये अलग मसाला है, ये ओले का फेमस। क्या नाम है इसका, नाम बताओ बस। क्या मालूम, पता नहीं बस। अरे बस क्या नाम तो रहेगा ना, ये जो लाल मिर्ची आती है तुम ये डालते ना तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है, थोड़ा कम डालो ये। वो क्या बोलते अपना एकदम मसाला भूनते ना तो ऐसे एकदम अजीब ही लगता है वो, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के कि ऐसे लगता है। नहीं जी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत भारी बनता है इसका। धनिया की बुक्की ज़्यादा डालते हैं इसीलिए तो ऐसे नहीं होता है। नहीं धनिया की बुक्की डाल दिए हैं, दो दो चम्मच। अरे माँ मेरी, दो दो तीन तीन चम्मच, क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए तो मसाला एकदम कुछ कुछ आ जाता है। घाट अच्छा बनता है ना, पतला बन जाएगा फिर पानी। चलो ठीक है भाई, सालिया जैसे भी बना रहे गाइस आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ ठीक है। ये तो मिर्ची वो है ना, मिर्ची की बुक्की है ना, आधा चम्मच। तो आप लोगों ने देखे गाइस सालिया ने कितने टीस्पून डाले, सालन का मसाला, मिर्ची की बुक्की है, धनिया और चिकन मसाला। और अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ी चटनी डालनी है, थोड़ी सी तो थोड़ी सी डालने का, तो इतने सारी पीसे क्यों? वो कैसा कुछ भाजी आजी बनाती तो काम आती ना एडवांस में। हाँ एडवांस का बहुत सोचते हैं। तो देख लो तुम्हारे सामने चटनी इतनी डालिए, तीखा नहीं लगना चाहिए बस, नहीं लगेगा तीखा। ओके और यहाँ पर डाल दिए भाई चिकन मसाला बस ना, बस। और कुछ डालने का? तो यहाँ पर गोश्त पलटी कर दिए इसमें, तो यहाँ पर क्या डालने जा रहे हैं? तेल डालने जा रहे हैं, तेल डालना है लेकिन लेके गिरना नहीं। नहीं भरोसा ही तुम्हारा, तेल लेके पलटी। अरे माँ मेरी, बस बहुत है वो। अरे नहीं अरे मेरे को मालूम है ना, तुम्हारे वजह से हुआ, पकड़ लेगा किसी भी। सालिया ना बहुत तेल डालते हैं तो इस वजह से मैं रोक रहा था गाइस, आप लोग बुरा मत मानना। तो यहाँ पर डाल दिए हैं, ये देखो ये बस यही तो है भाई, काम करेंगे कम, सामान ज्यादा गिराएंगे तो पूरा फोन पे मेरे अलिया। जब कुछ बनाते ना गाइस तो पूरा दिमाग ना उनका पता नहीं कहाँ चले जाता है यार, अभी कौन साफ करेगा इतना सारा ये सब। तो गाइस यहाँ पे हमारा पूरा क्या बोलते हैं अपना कांदा ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर सालिया ने डाल दिए हैं टमाटर, और इसको भी अच्छे से अपन थोड़ा सा लाल कर देंगे हल्का हल्का धीरे धीरे। हाँ एक नंबर। और यहाँ पर हमारे पूरे कढ़ाई की इज्जत लूट चुकी है सालिया के हाथों। नहीं वो एक जैसे पका ना वो अरे मालूम है, मजाक कर रहा था। तो भाई हमारा टमाटर भी एकदम मस्त क्या बोलते अपना गल गया है, और यहाँ पर सालिया डालने जा रहे हैं मसाला, मसाला भी ऐड कर दिए हैं एकदम मस्त। अभी इसको अच्छे से हिला लेंगे थोड़ा सी पानी डाल के। आप लोगों ने देखे सालिया ने कैसा बनाया है ये, तो बस इसके अंदर पूरा स्टेप तो फॉलो हो गया है 90%। बस ये डालेंगे उसके अंदर और थोड़ा पकाएंगे तो पूरा 100% हो जाएगा अपना सूखा चिकन तैयार। और ये बनाने के पीछे पीछे भाई हम लोगों का कितना हालत ख़राब हुई आप लोग सब देख सकते हैं। और खाना बनाने सही में यार एक ना, और खाना बनाना वाकई गाइस आसान बात नहीं है यार, बहुत सही में बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है इसमें, लेकिन पेट भरना है तो भाई तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी ना। हाँ तो गाइस अपना मसाला जो भी है बन रहा है अच्छे से, जब बन जाएगा ना तो उसके अंदर अपन चिकन डालेंगे, अपना पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो गाइस एकदम मस्त अपना अच्छा खासा अपना ये हो गया है, अब इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन।
लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, उसका भी डाल के छोड़ देंगे 10-15 मिनट, अच्छे से पक जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आराम बहुत रो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस पूरा कैमरे की ओर, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा लास्ट का जो भी सूखा चिकन बना है एंड पार्ट पूरा फाइनली बन के रेडी हो गया है। गैसेस बुझा दिए सौलिया ने, माशाल्लाह देखने में तो एकदम लजीज लग रहा है, मुंह से पानी आने लग गया है मेरे, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये छोटी छोटी बोटियाँ तोड़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह। आप लोगों को कैसा लगा गाइस ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। ये देखो ये प्यारी प्यारी बोटियाँ हैं, और अब्बा जब एंट्री मारे ना घर में तो अब्बा बोले अरे वाह क्या खुशबू आ रही, क्या बन रहा है यार। तो सौलिया बोलते हैं कि अपना आलू की भाजी बन रही है। हाँ अब्बा आलू की भाजी बन रही है, खा के जाना। तो अब्बा बोलते हैं जुट्टी मुझे चिकन की खुशबू आ रही है, तो सबका चिकन बनाया माशाल्लाह। तो हम लोग अभी थोड़ी देर से खाने बैठेंगे। फातिमा खाना खाने बैठेंगे ना पक्का, क्या खाएंगे? फातिमा खाने में नखरे दिखाती है बहुत गाइस, अभी फिर से इसके नखरे स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं बच्चे लोग को क्या है यार, खाने में कभी नखरे करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर से हम लोग खाना खाने बैठेंगे गाइस, और फिर आप लोगों को टेस्ट करके बताएंगे हम लोगों का खाना आज का जो सूखा चिकन है कैसा बना है। आप लोग भी ट्राई करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और क्या बोल रहे चलो आलू की भाजी खाने का मन कर रहा है। हाँ तो तुमने बना तो दिया आलू की भाजी, तो हम लोग अभी आलू की भाजी खाने बैठेंगे गाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, गर्मा गर्म लजीज खाना निकल रहा है। क्या खाएंगे? चावल और चिकन और चिकन दाल चावल चावल। माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार हमारा खाना निकल रहा है गाइस। चलो चेक करेंगे कैसा बना कैसा नहीं, और सौलिया की तारीफ करेंगे थोड़ी सी। तारीफ मत करना, अच्छा बना तो बोलने का मेरे को। कौन बात किया था बाबू ऐसा? अब्बू की अम्मी अम्मी ने बात किया था ऐसा? डावर लाल दलत मंजन। अब्बा टेस्ट करो जरा बताओ सौलिया के हाथ का आलू का भाजू कैसा लगा? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना भाई। तो गाइस हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए, तो आइए आप लोग भी खाना खाने। तो चलिए आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार से ऐसे ही बनाए रखें।